अभी कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम बना तो सकते हो, बना तो था ही, गिरा भी सकते हैं, गिराने की किसी में औकात नहीं है सर जी। अब कहने वाले तो कहते हैं, अब तक हम लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने जी मंदिर को गिरते देखा, ठीक है, लेकिन अब हमारे श्री योगी और श्री मोदी जी जी उठा रहे हैं और उनका ही सरकार फिर से लाना है और फिर आएंगे जी। मथुरा बाकी, काशी और मथुरा भी बाकी है जी। अभी और जलो, जलने वाले जलते रहो जी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अभी भी मैं दौड़ सकता हूँ। जय श्री राम, अरे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। देखिए राम जी की जिस पर कृपा होती है उस पर तो सबको ही कृपा करता है, और आज आपको राम भक्त हनुमान को आप दर्शन कराते हैं, जो हनुमान की तरह, हनुमान जी की तरह एकदम शक्ति से भरपूर हैं। चंदौली जिले से यात्रा कर रहे हैं, करीब 450 किलोमीटर की यात्रा आपने तय कर दी, पांव जवाब दे गए, आपने लाठी थाम ली, आपके पांव में छाले पड़ गए और पांव में आप देखिए पट्टियां बंधी हुई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद चाहे पांव जवाब दे गए हों लेकिन हिम्मत जवाब नहीं दी। और हिम्मत इसलिए नहीं जवाब दी है क्योंकि इनके साथ प्रभु राम हैं। जिसके साथ भी प्रभु राम होंगे उनकी हिम्मत कभी नहीं जवाब देगी। तो आइए राम भक्त हनुमान से बातचीत करते हैं कि कैसे तय किया आपने यात्रा। जी क्या नाम है? अजय गुप्ता नाम है मेरा। जी जी अजय जी, करते क्या आप? वैसे तो हमारी एक छोटी सी दुकान है, वही चलाते हैं और इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं जी। तो मन में कैसे भाव आया कि चलें अयोध्या नगरी और राम जी के दर्शन करने, वो भी पैदल? ये तो जो मेरे अंदर का है वो हम जानते हैं, और हमारे जो हम बताएंगे अभी वो कोई नौ युवक नहीं कर पाएगा। मैं चाहूंगा कि वो लोग भी करें जी। तो हमारे दादा ही नहीं, हमारे दादा नहीं बोले थे ये, हमारे परदादा हमको बोले बताए थे कि बड़ा राम, जब हम छोटे थे ना तो हमारे परदादा हमसे बताते थे पहले कहानियां कि राम मंदिर में ऐसे ऐसे होता था, पहले राम जन्मभूमि था जी। तो मैंने बचपन में ही उनसे प्रण लिया कि मैं दादाजी वचन देता हूँ आपसे, मैं जिस दिन भी, जिस दिन बन गया राम मंदिर उस दिन मैं पैदल यात्रा करके जाऊंगा दर्शन। अच्छा, ये कई साल की उम्र होगी जब आपने प्रण लिया होगा, संकल्प लिया होगा? लगभग 10-12 लगभग 10 साल उम्र थी। हाँ, 10 तय कर लिया कि जब राम मंदिर बनेगा तभी रामलला विराजमान। क्यों ना, हम 11 साल के होते हैं और 12 साल में बन जाता, लेकिन हम पैदल ही जाते जी। तो कई तारीख को आपने यात्रा शुरू की? मैंने 11 तारीख को यात्रा शुरू की जी, गांव से। हाँ, अपने गांव नहीं, मेरा सिटी है, सिटी। हाँ। तो सबने तैयार यार किया, बता दिया कि अब जा रहे हैं राम जी के दरबार में। हाँ, लंका विजय करके आएंगे। एकदम एकदम जी। तो पैदल का क्यों निर्णय लिया, साइकिल से आ सकते थे? बचपन में ही बोल दिए थे पैदल जाएंगे तय करने के लिए। प्रतिदिन कितने किलोमीटर आप चले होंगे? वो तो हम नहीं बता सकते, लगभग यहाँ से 350 किलोमीटर है अपना घर जी, और वहाँ से घूमते घूमते आना पड़ा तो 450 किलोमीटर लगभग पड़ गया है। करीब 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 जी। तो कितने घंटे आप चलते थे 24 घंटे में? 24 घंटे में 23 घंटे चलते थे, 1 घंटा रेस्ट लेते थे। 23 घंटे लगातार? हाँ, और 1 घंटा रेस्ट लेते थे, क्योंकि धीरे धीरे चलना पड़ता था, उसमें कष्ट मिलता था थोड़ा, लेकिन राम राम करते मैं आता था। 22 तारीख तो अभी टाइम थी, तो 22 तारीख तो हमको क्या लेन देना, और 22 तारीख को हमको इनविटेशन कार्ड थोड़ी ना दिए हैं हमारे मोदी जी, लेकिन पहुंचना था, बस पहुंचना था अयोध्या और दर्शन करना था, उनके चरणों का धूल अपने माथे पे लगाना था, वो मैंने कर लिया। ऐसा क्या कारण था कि आप केवल 1 घंटे आराम करते थे? कारण 2-4 घंटे 5 घंटे का कारण ये था ना कि हमको अभी बहुत काम करना है, तो मैंने सोचा जल्दी चलेंगे, जल्दी आएंगे। नहीं तो क्या, लंका दहन करना है? हो गया ना, पाकिस्तान जाना है? हाँ, वो तो ढाना है, वो तो प्रभु जी कर ही दिए हैं। अच्छा, बाकी जो बचा है वो तो जल ही रहे हैं सब कुछ देख करके अपने। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कामयाबी। अच्छा, राम जी की महिमा को देखकर, उत्तर प्रदेश की कामयाबी को देखकर पाकिस्तान जल रहा है? और जल के राख हो गया होगा अब तक तो। जी जी जी, नहीं अभी है, अभी तो है, अभी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम बना तो सकते हो, बना तो था ही, गिरा भी सकते हैं, गिराने की किसी में औकात नहीं है सर जी। अब कहने वाले तो कहते हैं, अब तक हम लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने जी मंदिर को गिरते देखा, ठीक है, लेकिन अब हमारे श्री योगी और श्री मोदी जी जी उठा रहे हैं और उनका ही सरकार फिर से लाना है और फिर आएंगे जी। और अभी यहाँ पर अयोध्या में देखे हैं
जी, अभी काशी और मथुरा भी बाकी है जी, अभी और जलो, जलने वाले जलते रहो जी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ओवैसी ने तो अभी कहा है कि एक है गई, एक चली गई, और ये हमारे सीने पर बहुत बड़ा दर्द है, तकलीफ है, और अब हम ढहने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। अरे तुमको कहा बताए हम ओवैसी जी, हाँ अभी सब्र करो, अभी न जाने तुम लोग को कितना दुख दर्द मिलेगा जी। जितना दुख दर्द हमारे पूर्वजों को आप लोगों ने दिया है, उसका बदला 10 गुना लिया लेंगे हमारे मोदी जी और योगी जी जी लेंगे। दर्द क्या दिया है पूर्वजों को, आक्रमण किया, मंदिरों को ढा दिया, मीनार और वो बनाया, तो उसका बदला लेंगे। बदला नहीं बोला जाएगा इसको, बदला नहीं बोला जाएगा, जो हमारा है वो हमारा है जी, जो हमारा स्थान है वो हमारा स्थान है। 75,000-76,000 मंदिर तोड़े गए और उन पर कहीं ना कहीं जो है मीनारे और कुछ ना कुछ रख दी गई है। बस मोदी जी हमारे साथ है, और हमेशा ही सभी लोग, मैं सभी लोग से कहना चाहूंगा इस न्यूज के बारे में से, कि सभी लोग इस बार फिर मोदी जी को ही लाए हैं जी। मोदी इस रास्ते से ये डबल इंजन चल रही है। अच्छा, डबल इंजन चल रही है तभी इतना जी। कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ था जी, कुछ था नहीं था, अब है। अब देखिए किस किस रास्ते से आप आए हो। हम तो बहुत रास्ते से चल के आए हैं, हमें रास्ते में सत्य बता रहे क्या बोले, कुछ ये पांच उंगली बराबर तो नहीं है, कुछ बढ़िया मिले कुछ बुरा मिले, लेकिन रास्ते भर मस्ती से आए हैं। अच्छा, लोग करते कराते आए, करते करते अपने घर से खाना बना कर हमको खिलाए। जिस रास्ते मैं रास्ते से केवल एक बैग लेकर निकला था, और अभी मेरे हाथ में ग्लव्स मिला हमको जी, और ये गमछा से हमको सम्मानित किया गया जी, और मेरे को बैग भी मिला, और अभी बैग के अंदर अभी जस्ट किसी ने हमको कंबल भी दे दिया है। देखिए दिखा सकते हैं हम आपको। हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई नहीं, अभी हमको कंबल भी मिला अभी जस्ट। अच्छा, जो राम के काम के लिए है उसको तो आशीर्वाद सब मिलेगा मिलेगा, तो हमारे रामवासी है ना, राम भक्त सनातन धर्म वाले। जिस रास्ते से होकर आए हो उसी रास्ते में एक महोदय रहते हैं सपा के, और उन्होंने ये कहा, जिसका झंडा बुलंद कर रहे हो सनातन का, उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, हिंदू धर्म को उन्होंने बताया कि ये धोखा है। धोखा है जी, तो आप जाइए और लिट्टी और चोखा बना के खाइए, हमारे तो धोखा नहीं है, हमारे तो बहुत कुछ है। हिंदू धर्म, हिंदू तो एक ताकत है हमारी। अच्छा हाँ, वो हिंदू एक ताकत ताकत है, और वो जो धोखा कहते हैं उनको क्या चोखा खिलाएंगे, चोखा लिट्टी और चोखा बनाकर गोटी बसो करके वो खाएं जी, जो को भी हम जानते नहीं है, ठीक है, और न जानना है जी, फिर भी सही है जी। तो ये इतनी लंबी यात्रा की बता रहे हैं, 24 घंटे में मात्र 1 घंटे आप सोए, तो थकावट और दर्द और पीड़ा सब कुछ था मेरे अंदर, इतना था कि लग रहा है मेरे दोनों पैर कोई काट करके फेंक दिया है, ऐसा लग रहा था। मैं अभी दो लाठी से चल रहा था, मैंने एक बुजुर्ग को देखा, उनको एक लाठी अपना दे दिया, 3-4 लाठी बुजुर्ग को दे दी। अच्छा और ताकि उनका सहारा वो लाठी बने जी। तो अब आ गए अवध नगरी में, अब अवध नगरी में आया है, और 3 किलोमीटर पहले जब एंट्री लिया है अवध नगरी में, तो सारी दुख तकलीफ मुसीबत मेरी सारी पीड़ा एकदम दूर चली गई है एकदम। यदि यदि उन लोगों को यकीन नहीं होगा आप लोगों को, मैं अभी इसी हालात में मैं भी दौड़ सकता हूँ, इसी हालात में मैं अभी दौड़ सकता हूँ। अच्छा, अयोध्या में आते इतनी ताकत आ गई, इतनी ताकत आ गई है, राम जी के आशीर्वाद से एक बार पैर एकदम वैसे मार दी। अरे देखिए ना, इधर ये थोड़ा था। हाँ हाँ, अभी भी मैं दौड़ सकता हूँ। हाँ, जय श्री राम, अरे जय श्री राम, हाँ हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके साथ तो इनकी भी ताकत आ गई, ये दुबले पतले हैं, लेकिन ताकत नहीं, मैंने थोड़ा सा सपोर्ट लिया हूँ, लेकिन मैं दौड़ सकता हूँ अभी भी जी, जी। तो मतलब एक बार खड़े होने में ऐसे पैर करने में दिक्कत है, दिक्कत अरे वो हल्का मैं दूसरी लाठी होती तो मैं दिखाता जी जी, कि मतलब स्टंट कर जाते जी। तो ये राम की शक्ति है, ये राम की ताकत है। हाँ। और राम जी की शक्ति और ताकत आप देख लीजिए कि लगातार 24 घंटे में केवल सिर्फ 1 घंटे सोते थे, और उसके बाद यात्रा लगातार तय हुई। जब राम जी की कृपा आप पर होगी तो आप भी भक्त हनुमान बन जाएंगे और लंका दहन करके आएंगे। अब जाग चुका है सनातन और सनातनी, ये बच्चे जाग चुके हैं जो लंका दहन करने के लिए तैयार हैं। जिसने भी सनातन पर आवाज उठाई उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।